वुजू का बयान। नींद से जागकर पहले हाथ धोएं। सुबह जब पहले आप वाशरूम में पहुंचे तो हाथ धोएं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वइज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फलयग़सिल यदहु क़ब्ल अन युदख़िलहा फ़ी वदूइही फ़इन्न अहदकुम ला यदरी अय्न बातत यदुहु। जब तुम नींद से जागो तो अपना हाथ पानी के बर्तन में न डालो जब तक कि उसको 3 बार न धो लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इस हाथ ने रात कहाँ गुजारी है। मतलब यह है कि नींद से जागकर हाथ पहुंचो तक 3 बार धोकर फिर उन्हें पानी के बर्तन में डालना चाहिए। हो सकता है रात को हाथ बदन के किसी हिस्से को लगकर पलीद हो गए हों। अब तो खैर टैप का तरीका है, लेकिन इससे पहले लोगों के पास मग भी नहीं होते थे और लोटों का भी इस तरह रवाज नहीं था। तो अमूमन क्या होता था, बर्तन के अंदर से, जैसे अब भी देहात में बाज़ औक़ात बर्तन के अंदर से हाथ डाल के लब से पानी डाल के वुजू किया जाता है। नींद से जागकर 3 बार नाक झाड़ें। अब ये भी सुन्नत है। बाज लोगों को देखा गया वो सिर्फ पानी डाल लेते हैं तो झाड़ते नहीं नाक को। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नींद से बेदार हो फिर वुजू का इरादा करो तो पानी चढ़ाकर 3 बार नाक झाड़ो, क्योंकि शैतान नाक के बांसे में रात गुजारता है। सोने वाले के नाक के बांसे में शैतान की रात गुजारने की असलियत और हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारा फर्ज ईमान लाना है कि वाकई शैतान रात गुजारता है। और अगर देखा जाए तो सारी गलासतें जो हैं हवा की या पोल्यूशन की, वो सांस लेते वक्त नाक में ही जमा होती। तो अगर आप नाक झाड़ेंगे तो वो सब कुछ साफ हो जाएगा। और उसका भी तरीका क्या है कि अगर आप एक जैसे दाया पहले झाड़ रहे हैं तो बाएं के ऊपर आप अंगूठा अगर रख ले तो पूरे का पूरा जो है वो पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से और फिर दोनों तरफ से बराबर। तो उससे आप देखेंगे कि कान और नाक और ये पूरे साइनसेस हर चीज खुल जाएगी आपकी, यानी पीछे तक आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब हम दोनों तरफ से इकट्ठा ही झाड़ लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो पूरी शिद्दत के साथ नहीं सफाई होती। मसनून वजू की मुकम्मल तरतीब। वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, बिस्मिल्लाह कहते हुए वजू करो। वाज़े रहे कि वजू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अर्रहमान अर्रहीम के अल्फाज का इजाफा सुन्नत से साबित नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वजू नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती पहनने, कंगी करने, तहारत करने और गर्ज तमाम कामों में दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते। ये आदत भी हमें डालनी है, क्या हर काम दाएं जानिब से। फिर दोनों हाथ पहुंचो तक 3 बार धोएं। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान खिलाल करें, यानी सिर्फ ऊपर से नहीं धोएं बल्कि अंदर के हिस्सों को भी गीला करें उंगलियों में उंगली डाल के। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल 3 दफा करें। फिर 3 बार मुंह धोएं, यानी चेहरा। फिर एक चुल्लू लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खिलाल करें। फिर दायां हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं। फिर बायां हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं। एल्बो को कहते हैं कोहनी, और ये जो हड्डी है ये शामिल होनी चाहिए उसमें। फिर सर का मसा करें। दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक पीछे ले जाएं, यानी जहां तक बालों की जड़ें हैं। फिर पीछे से आगे उसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था। यानी जैसे खवातीन के बाल लंबे होते हैं या उनके उलझने का डर होता है, तो आप उसको इस तरह करके भी आहिस्ता आहिस्ता ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे बाल पीछे से आगे उल्टाएं। आपने सर का 1 दफा मसा किया। सर का मसा 3 बार नहीं 1 बार, लेकिन पूरे सर का मसा। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजरकर कानों की पुष्ट पर अंगूठों के साथ मसा करें। कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजार कर कानों की पुष्ट पर अंगूठों के साथ मसा करें। अंगूठे पीछे और शहादत की उंगली सुराखों के अंदर। फिर दायां पांव टखनों तक 3 बार धोएं और बायां पांव भी टखनों तक 3 बार धोएं। यानी अगर आप टैब के आगे भी धो रहे हैं तो उसको 3 दफा पांव को हिला लें, और अगर आप पानी हाथ से डाल के कर रहे हैं तो 3 चुल्लू डाल लें। जब वुजू करें तो हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करें, यानी पांव की उंगलियों के अंदर भी उंगली डालें, छोटी उंगली। मुस्तौरद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा कि आप अपने पांव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छंगली यानी छोटी उंगली से कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि अगर जख्म पर पट्टी बंधी हुई हो तो वुजू करते वक्त पट्टी पर मसह कर ले और इर्द गिर्द को धो ले। यानी मसलन बाजू पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो जितना हिस्सा पट्टी का है उसको तो मसाह कर लें और बाकी हिस्से को धो लें। अगर टैप के नीचे ले जाना मुमकिन ना हो तो हाथ से पानी डाल के उसको धो लिया जाए। पट्टी ना भी बंधी हो तो भी मसाह कर लें, ठीक है ना। इसमें आप देखिए जो फर्क आपको लगा होगा कि एक ही चुल्लू से आधे में कुल्ली और आधा नाक में पानी डालना, इतना पानी को बचाया गया है। कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का जिक्र जिस हदीस में है उसे इमाम अबू दाऊद, इमाम नववी और हाफिज इब्न हजर ने ज़ईफ कहा है। इमाम नववी और इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का तरीका चुल्लू से आधा पानी मुंह में और आधा नाक में डालना है, यानी ये अफजल तरीका है। और दूसरी रिवायत जो है वो ज़ईफ है, ठीक है। यानी एक चुल्लू से आधा कुल्ली और आधा नाक में डालना जो है ये हदीस ज्यादा सही है, और जो दूसरी हदीस है जिसमें अलग अलग करना है वो ज़ईफ रिवायत है। एक बात जिसका मुझे सख्त खौफ और खतरा महसूस हो रहा है वो ये कि आप आज से घर में मुफ्ती बन जाएंगे और जाके सबके वुजू गलत करार देंगे। क्या ऐसा ही करेंगे? लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है आप ऐसे करेंगे? हाँ, देखिए आप फिक्र इस्लामी पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि फिक्र की असल बुनियाद कुरान और सुन्नत में सही हदीस है और प्रेफरेंस हमारी सही हदीस पर है, और फिर सारे जखीरे को खंगाल कर जो चीजें सही के दर्जे पे पूरी उतर रही हैं उनको इख्तियार करना है। अब ये आप तो एक प्रोसेस से गुजर कर आप एक चीज को ले रहे हैं, ढूंढ के सब जान के फिर आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं ये ले सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने ये सब जाना नहीं, पढ़ा नहीं, उन पर आप मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना कुछ। हाँ बता सकते हैं, और बताने के लिए आप किताब फिर सामने रखिए, जबानी बातें नहीं कीजिए और लोगों के वुजू गलत करार नहीं दीजिए। इससे भी बचिए कि आप गलत वुजू कर रही हैं। आप ये कह सकती हैं कि आपने अगर सही हदीस का इंतखाब करके बेहतर वुजू किया है तो दूसरे का गलत नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि वो नमाज पढ़ता रहे, ऐसा ना हो कि आपका तर्ज अमल उसको नमाज से ही भगा दे। ये ज्यादा अहम नुक्ता है सीखने का बनिस्बत अफजल और बेहतरीन चीजें सीखने के। और ऐसे लोगों को भी आराम से बता सकते हैं जो खुद सुनने के समझने के तलबगार हों और बस बिला वजह किसी के भी पीछे नहीं। अब देखिए कि मैंने ये किताब आपके सामने क्यों रखी, ताकि दलाइल आपके सामने हो, और अगर आपको मैं दलाइल के बगैर खुद अपने हुक्म के तौर पे सुनाती तो शायद आपके लिए भी कबूल करना आसान ना होता। चलिए आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानों का ताल्लुक सर से है, यानी सर का मसा जो कुरान में आता है ना, फमसहू बिरुउसिकुम, तो कान भी सर का हिस्सा है। यानी अगर कोई पूछे कि दलील क्या है तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दलील दी है कि कान सर का हिस्सा है, यानी कानों का ताल्लुक सर से है। इसे इब्ने जौजी वगैरह ने सही कहा है इस हदीस को। इसका मतलब यह है कि कानों के लिए नए पानी की जरूरत नहीं, यानी मसा करते वक्त वो सर ही के मसे में शामिल है। कानों के मसा के लिए नए पानी लेने वाली रिवायत को हाफिज इब्ने हजर ने शाज कहा है। शाज क्या होता है? अनयूजुअल, अनोखी राय जो जमहूर से हटकर हो। हाफिज इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसा की रिवायत के मुतल्लिक़ इमाम नववी फरमाते हैं ये हदीस बिल इत्तिफाक ज़ईफ है, बिल इत्तिफाक, ठीक है। अच्छा, अब आप जब वो जाते हैं ना पीछे तक ले जाते हैं तो खुद ही आपका हाथ कहाँ तक पहुंच जाता है? गर्दन तक पहुंच ही जाता है। और फिर उसी को वापस ले आते हैं। लेकिन अलग पानी लेके सिर्फ इस तरह करना जो है, इस बारे में कोई हदीस सही नहीं, ज़ईफ ही है।